इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो सुशासन दिवस, पहले तो ये समझ लीजिए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, और इसी के उपलक्ष्य में ये इंडेक्स जारी किया गया था। तो इसमें गुजरात ने टॉप रैंकिंग हासिल करी है। याद रखेंगे गुजरात पहले नंबर पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले नंबर पे है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है गुजरात। तो सुशासन सूचकांक में गुजरात सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग ने वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य का शीर्ष स्थान मिला है। तो जिस राज्य के क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वो है ऑप्शन सी केरल। तो केरला में केरला इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यानी नंबर वन पे है, और यूपी इसमें सबसे पीछे है, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। तो याद रखेंगे केरला इसका राइट आंसर है केरल, स्वास्थ्य सूचकांक में, और नीति आयोग जारी करता है इसको। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीति आयोग का कोई भी इंडेक्स है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है। तो पेटा जो होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी जानवरों से जो जितना ज़्यादा लगाव जिसको रहता है, जैसे तो आलिया भट्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जानवर का अनुकूल, यानी जो हम लोग क्या करते हैं कुछ चीज़ें अपने फैशन में इंक्लूड करते हैं, जो जानवरों से बनते हैं, खाल से बनते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करके, तो इसलिए इन्हें क्या दिया गया, यानी कह सकते हैं कि एनिमल्स की सेवा के लिए, सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें आलिया भट्ट राइट आंसर है सी। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी चलाई जाती है बेसिकली क्रिकेट में, तो इसका जो जीता है इसको, ये जीता है हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी, तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो क्या थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और 3 बारी प्रधानमंत्री बने भारत के, याद रखना। 1996 में भी बने, 1998 में भी बने, और फिर 1999 भी बने बने 2004 तक रहे फिर। तो याद रखेंगे 3 बार प्रधानमंत्री बने, और तो अटल बिहारी वाजपेयी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इस वजह से मनाया जाता है कि 24 दिसंबर 1986 को ये बिल पास हुआ था, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण बिल संसद से पास हुआ था। तो उसी दिन क्या मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, याद रखेंगे जूनियर है ये, का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम जहाँ पर आ जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में भी। तो प्रथम जो महिला बनी है वो बनी है अनाहत सिंह। तो इन्होंने यूएस में, अमेरिका में ये टूर्नामेंट जो चला था स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15, इन्होंने जीता है, और पहली बार जीता है किसी महिला ने जूनियर में स्क्वैश, आप लोग जानते होंगे। तो इनका नाम है अनाहत सिंह, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए ये चीज़। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। तो ये साफ जो होता है दक्षिण एशियाई देशों में खेला जाता है, तो इसमें जो जीती है वो जीता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने इंडिया को हराया। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को हरा के बांग्लादेश ने ये जीता है, तो इंडिया हार गया था इसमें। तो याद रखेंगे अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप की बात हो रही है, फुटबॉल की टीम, फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, तो इसमें बांग्लादेश जीता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में BWF यानी बैडमिंटन फेडरेशन जो होता है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, तो उसकी चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल यानी मैन सिंगल में किसने खिताब जीता है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इसको जीता है लो किन ने, ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने किसको हराया था, किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। अभी पूछे कभी कि किदाम्बी श्रीकांत का किस खेल से संबंध है, तो अब याद रखेंगे बैडमिंटन खेलते हैं ये, तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो GS है भाई, कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, उसका कोई पता नहीं है।
तो लो किन इन्होंने सिंगापुर के आई इन्होंने जीता ये टूर्नामेंट। तो किदाम्बी श्रीकांत भाई हार गए थे इसमें, तो याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को, याद रखना भाई लोग, 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, नेशनल फार्मर्स डे पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह जो है ये भाई साहब ये हमारे पांचवे प्रधानमंत्री हैं, यानी थे कह सकते हैं, अब तो ये नहीं है, तो पांचवे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो किसान परिवेश से इनका संबंध था, यानी किसान यानी फार्मर्स बैकग्राउंड से, तो काफ़ी ज़्यादा किसानों से ये जुड़े रहते थे, इस वजह से किसान प्रेमी कहा जाता था, मतलब ऐसे एक प्रधानमंत्री जो किसानों से काफ़ी लगाव रखते थे। तो इसी वजह से इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और पाँचवें प्रधानमंत्री थे ये भारत के, याद रखेंगे आप लोग, चौधरी चरण सिंह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को, याद रखेंगे डेट में 22 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी ये नेशनल मैथमेटिक्स डे है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पहले तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया यहाँ से, फिर बनेगा कि ये कोई जन्मदिन किसके उस पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन, आप सभी जानते होंगे जो मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ता होंगे वैसे भी जानी पता होगा आप लोगों को। तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और इनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से इनका संबंध है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो ये इतने बड़े मैथमेटिशियन थे कि इनके नाम पे क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और इन पे बहुत सारी पिक्चर भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं इन पे बनी हुई पिक्चर हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमिनयू निडलैंड और चुमू के दिमा किस राज्य के 3 नए ज़िले बने हैं, यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य जहाँ 3 नए ज़िलों का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है भाई साहब नागालैंड में, ऑप्शन सी, नागालैंड में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। थोड़ा सा श्योर आप लोग को अगर महसूस होता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ चुनाव का प्रचार चल रहा है लंबे समय से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें चीन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे चाइना, प्रदीप कुमार रावत नए राजदूत हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया है, तो ये बनाया है ऑप्शन सी ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत वैसे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो इन्हें उत्तराखंड का क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, अगर जो इंग्लैंड की टीम को जानते हैं तो जेम एंडरसन बॉलर हैं वहाँ के, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 100 बार नॉट आउट होने का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मुथैया मुरलीधरन के नाम भी ये रिकॉर्ड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना की शुरुआत की है, तो ये की है झारखंड, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन ने वहाँ के युवाओं को जो नक्सल खासकर जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं उनके युवाओं को खेल से जोड़ के उनको आगे बढ़ाने की प्रमोट करने की ये योजना चलाई है, सहाय योजना, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मनाया जाता है 18 दिसंबर को, तो एक दूसरे एक जगह से दूसरी जो जो माइग्रेंट कर जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है, तो ये जीता है अवनी लेखरा ने, तो अवनी लेखरा ने जीता है ये, क्यों और अनिल लेखरा का संबंध किस स्पोर्ट्स है, तो ये निशानेबाज है, तो निशानेबाजी में इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे तो अवनी लेखरा का संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध है राजस्थान से, तो राजस्थान से जयपुर से ही बिलोंग करती हैं, तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है कि किस देश के हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया, तो ये क्या है भूटान ने, तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये जो पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी को और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग देशों से, तो वो मैं आप लोग को कवर करा दूंगा अगली वीडियो पर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मिला है, तो याद रखेंगे भूटान। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है, तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 4 रनवे वाला, याद रखेंगे नई दिल्ली में है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है, तो ये की है पेटीएम ने,
तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। तो याद रखेंगे पेटीएम ने मनीग्राम के साथ क्या किया है, साझेदारी की गई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद संभाला है। तो CDS जो बिपिन रावत थे उनकी मृत्यु के बाद अब जो पद संभाला है वो संभाला है MS नरवणे ने। तो इन्होंने कार्यभार संभाल लिया उसका, तो याद रखेंगे नरवणे। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है। तो ये चुनी गई है सिमोना बाइल्स, ये बेसिकली अमेरिका की हैं और ये क्या है, एक जिमनास्ट हैं। तो इन्हें क्या चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है टाइम मैगजीन का। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा खूब सारा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लगातार आते रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट और वीडियो पर।